अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। हेलो नमस्ते वाना का मोला मराबा अस्सलाम वालेकुम दिस इज योर मम्मी सलीम खान वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसपी। तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस वंस अगेन। तो मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मुसाफिर। तो आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि आज अपन गए थे एमएसके भाई के मीटअप में, और मीटअप बोले तो तूफ़ान मीटअप था, तूफ़ान मीटअप, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था इतने लोग आएंगे। भाई एमएसके भाई के चाहने वाले तो बहुत है, क्या बोल सकते हैं अभी। तो शुरू से शुरू करते कहानी। तो मैं सुबह निकला अपने घर से क्योंकि रिपोर्टिंग टाइमिंग जो वॉलंटियर्स लोग के लिए था, जैसे कि तुम्हारा भाई मैं शादाब जो वॉलंटियर था उधर का, तो अपना टाइमिंग था रिपोर्टिंग का उधर 8:30 से 9 बजे के बीच में। तो अपन बराबर टाइम पे पहुंच गए। जब मैं वहां पहुंचा तो ऑलरेडी उधर पे कम से कम नहीं बोल के भी 50 लोग तो थे, जो सब्सक्राइबर थे, वॉलंटियर नहीं, जो सिर्फ मिलने आए थे मीटअप के लिए। क्योंकि कम जगह होने के कारण एमएसके भाई ने अपनी स्टोरीज में बताया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है, और सब फ्री था उधर, मतलब एंट्री के लिए फीस वीस कुछ भरनी नहीं थी। तो बहुत सारा क्राउड था, तो जैसे तैसे हम लोग, मैं तो अंदर पहुंच गया आराम से क्योंकि अपन वॉलंटियर थे, अपना नाम था अंदर, तो अंदर गया। अंदर जाने के बाद वहाँ पे सब अरेंजमेंट्स थी, जो भी हम लोग को करना था वो सब किया। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक जन आने लगे। पहले आशीष भाई आए, आशीष भाई को तो आप जानते होंगे, गुलाब जामुन डाल दूंगा उनका कैमियो छोटा सा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके शफीक भाई आए, फिर पूनम जी आए, उसके बाद में लास्ट इन दी एंड अपने एमएसके भाई का स्वागत होता है कुछ इस तरह की से, देखिए। स्पीक पर आ रही है
लेकिन मैं कुछ कहना चाहता तुम लोगों से थोड़ा सुन लो। सो मैं हमेशा चाहता था, अरे रुको ना यार, गाइस गाइस एक मिनट गाइस, मैं हमेशा से चाहता था आप लोगों से मिलना, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठा कर लूँ और सब लोग फिर आ जाए, किसी से मिलना हो रहा बात ना हो, मैं नहीं चाहता था वैसे। तो इन लोगों की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया है, ये जो हॉल देखा गया है, पैसे तो मैंने दिए बाकी सारी चीजें जो है इन लोगों ने मिलकर किया है। आप लोग देखेंगे सबके गले पे एक आई गार्ड है, थोड़ा प्रोफेशनल फील देना चाहते थे इवेंट को। आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने स्टैंडीज भी रखा है वहां पर, थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल फील देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग आए तो आपको स्पेशल एक्सेस है, तो ये सारी तो कहानी शुरू होती है उस टाइम जब मैं यूट्यूब नहीं करता था, ऐसे ही घूमता था यहाँ वहां, और मेरा ऐसा था ना कि कोई भी नई चीज देखता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे लाइक कोई जगह हो या कोई ट्रेडिशन हो या खाना हो, तो टाइम पे ये सब चीज देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे यार, हमारे हिंदुस्तान में बहुत फ्लेवर है, बहुत डाइवर्सिटी है, और अरे रविवार यार जो हमारे लिए रखी है, हमें देखने के लिए रखी है, एक्सप्लोर करने के लिए रखी है। जब मैं कहीं भी घूमने के लिए जाता हूँ ना, तो मैं अपने रिलीजन को साइड में रखकर एक रिलीजन को अपनाता हूँ जो है एक्सप्लोर। तो मैं कभी भी मैं इस चीज में भेदभाव नहीं करता हूँ कि मैं गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा या मंदिर में नहीं जाऊंगा या फिर चर्च नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अपना अपना सबका होता है, लेकिन एक एक्सप्लोरर और आपको पता है दिल्ली आके भी क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हर चीज को सुनती रहती है कि कैसे। तो मेरा केस है कि हर चीज को सुनते रहता हूँ यहाँ से। तो ट्रैवल करने का शौक उस टाइम से ऐसा हुआ था कि देखना है, तो उस टाइम पे ना पैसे थे, ना हिम्मत थी, ना शरीर था, ना जेब में पैसे थे, लेकिन सोचा था कि कभी ऐसा होगा कि हिंदुस्तान घूमेंगे। और ये बात को अराउंड 10 साल हो गए होंगे, 10 से 12 साल हो गए होंगे, बहुत छोटा था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि मैं यूट्यूबर बनूंगा और ब्रांड्स आएंगे, मीटअप्स होगा और ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ नहीं पता था, बस सोचा था कि यार हिंदुस्तान घूमेंगे। और ये बात मैंने ब्लॉग में भी बोली है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मेरी जिंदगी में चाहे वो आर्वन हो या टाइगर हो या फॉर्च्यूनर हो,
पा जाएंगे, आप दोस्त बन जाएंगे। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज सोची थी तब जाके ये हुई थी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि अच्छा सोचा करो और बड़ा सोच लो, जितना बड़ा सोच सके। पूरा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन सोचने में क्या देता, मजा आता सोचने में। और आज वो दिन है जब फाइनली वो चीज हो रहा है कि मैं हिंदुस्तान घूमने के लिए निकल रहा हूँ। घर जाएगा घर, मन 35 प्लस डेज है ये पूरे ट्रिप को। और मतलब मेरे को ना बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मुझे ना मम्मी की हाथ में बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ, तो आप लोगों ने वो देख ही लिया होगा एमएसके भाई का एंट्रेंस, एंट्री करते हुए जो पब्लिक में जोश था ना भाई, ओफो क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। बाकी बहुत मज़ेदार था एंट्रेंस, मतलब एंट्री के टाइम पे उनका गाना चल रहा था लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो सब जाके सुनिए पहला वो गाना, बहुत ही औसम गाना है, एकदम तोड़ू उखाड़ू अंगार लगा देने वाला गाना है वो। मतलब किसी के अंदर अगर स्पार्क पैदा करना है ना तो गाना सुना दो, वो अपने सपने की तरफ ही भागेगा, जैसे कि हम लोग भाग रहे हैं अभी। मैं सुमित है इधर, मिलाता हूँ आपको लास्ट में। फिर उसके बाद एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद उन्होंने Q&A किया दो चार लोगों से, मतलब बहुत सारे लोग थे तो Q&A भी किया। पब्लिक ने अपने अपने ओपिनियंस थे, किसी के किसी को कुछ उनको बताना था कि आपके बारे में क्या पसंद आता है क्या नहीं, तो वो भी था उसमें। और किसी के सवाल? अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है तो फर्स्ट थिंग कि सर्वाइव करने के लिए 2 महीने 4 महीने कैसे सर्वाइव करे, पैसे अगर नहीं हो तो नहीं। यूट्यूब में ग्रो करने के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है फर्स्ट थिंग? पैसे अगर ज्यादा ना हो तो। मेरा एक सवाल है, जब तुम कॉलेज जाते हो डिग्री करते हो तो 3 साल, अरे सुनो तो सही, 3 साल कैसे सर्वाइव किया कॉलेज में, कैसे सर्वाइव, डिग्री कैसे किया, या फिर कॉलेज जूनियर कॉलेज कैसे किया, डिग्री कॉलेज कैसे किया? किया ना। तो अगर तुम YouTube को सीरियसली करना चाहते हो उसको एज अ डिग्री लो, 3 साल का टाइम रखो अपने पास कि 3 साल तक सीखूंगा। मैंने जब YouTube किया ना, मेरे को 2 साल तक पैसे नहीं आए थे, और 2 साल तक जो भी ब्रांड आते थे वो बोल रहे थे ये बोल दो वो बोल दो, मैंने बोला नहीं हम बिका हुए गिरे हुए नहीं है। शुरू शुरू में मेरा जो मैनेजर है ना नील, उससे पूछना, मैंने कम से कम 100 से ज्यादा ब्रांड को मना किया था कि नहीं करना है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पैसे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो गट्स नहीं होता तो वो बना नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप ये सोच के चलो कि 3 साल तक जैसे तुमने डिग्री किया है ना, वैसे ही 3 साल तक यूट्यूब को करो, उसके बाद पैसे आए ना आए वो देखना है। अभी मैंने डिग्री किया बीकॉम में, बैचलर ऑफ कॉमर्स मैंने कंप्लीट किया, मेरे को उसके थ्रू एक भी नौकरी नहीं लगी तो मेरा पैसा बर्बाद हुआ बराबर। तो फिर मैं भी तो बोल सकता 3 साल तक के, देखो हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन 3 महीना करके छोड़ने वाले को तो बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हाँ बोलो। फिर सबसे लास्ट में उन्होंने सबको डॉग टैग दिए, जिसको आर्मी टैग वो बोल रहे थे। तो अपन वॉलंटियर थे, कोऑर्डिनेटर्स को मिले थे, तो कोऑर्डिनेटर्स में अपना नाम नहीं था, बट कोई नहीं। लेकिन गर्दी तो या होम गर्दी थी भाई, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। उनको निकालते टाइम इतनी गर्दी थी ना, वो क्लिप आप देखना, वो क्लिप में अरे मोटरसाइकिल वहां क्या कर रहे हो, 12 बजे
तो फोन तो करना चाहिए, तालियां हो जाए अभिषेक। अभिषेक के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। अरे रुको तो सही, दो मिनट। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे एक लोनावला में मीटअप था, आई गेस एक्सपीरियंस पे करा पावर ड्रिफ्ट का मीटअप था। तो वहां पर आप हमें सिर्फ ऐसे ही कैजुअली थोड़ा बात किया था, पूछा था सब्सक्राइबर काउंट क्या है, मैंने पूछा था सब्सक्राइबर काउंट क्या है ऐसे करके। और उस वक्त ना काफी सारे मोटो ब्लॉगर हुआ करते थे जो अभी नहीं दिखते, ठीक है। वो हमारे पुराने चावल जो है ना, उसमें से एक अभिषेक है, एक मैं हूँ, और बहुत लोग हैं जो अभी नहीं दिख रहे। अभिषेक की एक बात अच्छी लगती है कि इसने चाहे व्यूज आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, चाहे ब्लॉग हिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, इसने ब्लॉग डालना नहीं छोड़ा अभी तक, ब्लॉग डाला 10,000। और यहाँ पर तुमको मैंने बुलाया स्पेशली इसलिए नहीं कि तुम्हारे सब्सक्राइबर है या फिर लाइक यू नो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो या फिर बहुत खराब कर रहे हो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी की वजह से तुम यहाँ पर हो भाई। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि मतलब करते रहो काम, और मुझे पता है कभी ना कभी हिट होगा, कभी ना कभी छक्का लगेगा। और नई बाइक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है। हेलो, आप रहना लोग नहीं जानते, मैं इसके काफी टाइम से मेरा दोस्त है राइट, एंड काफ़ी टाइम से मैं ये देख रहा था कि वो सपोज टू गो ऑन दिस ड्रीम ट्रिप, लेकिन काफ़ी दिक्कतों के बाद अब जाके ये ड्रीम स्टार्ट हो रही है। बस के आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप हज़ारों सब्सक्राइबर से मिले और खुशियाँ बांटते रहे और आपके वीडियोज का इंतजार। थैंक यू सो मच। एंड बस इतना ही था इस इवेंट में, मैंने सब कुछ बता दिया जो भी इवेंट के बारे में था। फिर उसके बीच में अपन बाकी सब लोगों से मिले, पूनम जी के साथ सेल्फी थी अपनी, फिर वंडर सेन अभिषेक दादा उनके साथ भी अपना एक वीडियो है, वो भी डालूंगा देखना, उनका चैनल के बारे में भी और अपने चैनल के बारे में भी। सर आप ट्रैवलर्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ट्रैवलर्स के बारे में, ट्रैवलर्स तो खैर ट्रैवल्स का काम है ट्रैवल करना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेफली ट्रैवल करना। जैसा भी आप यूट्यूबर हो, आप ट्रैवल वीडियोज डालते हो, तो हमेशा ये कोशिश करना कि सेफ्टी सबसे पहले प्रमोट करो, क्योंकि आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे। ऐसा नहीं कि मैं भी कभी कभी भगाता हूँ, लेकिन वो एक दो तीन सेकंड का फन होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के अगर आप वीडियोस बनाएंगे तो ट्रैवलर्स लोग आपसे इंस्पायर होकर वो दूसरों को बताएं। तो सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो मजे ही मजे। हम सर को देख के बढ़ रहे हैं, आप हमको देख के बढ़िए, ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझे भी करना। हाँ, वंडर सेन, यस। थैंक यू सर। फिर रेसर चिक से मिला प्रतीक्षा जी से, वो भी एक नंबर मानस है ये लोग सब। गौरव जी से भी मिला, ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका स्पीच ख़त्म हुआ। हम फिर उसके बाद सेल्फी टाइम आया, थोड़ा बहुत पब्लिक ने सेल्फी लिए, तो अपन तो वॉलंटियर थे तो अपन को संभालना भी था क्राउड को, क्योंकि क्राउड बहुत था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। 600 लोग अंदर थे, अंदर बैठने की 600 लोग की जगह थी, फिर भी हम लोग ने कम से कम नहीं बोल के भी 700-750 करीब लोग तो अंदर रहेंगे, और लगभग उतने ही बाहर होंगे बाहर, क्योंकि बाहर भी क्राउड बहुत था भाई। MS के भाई को बाहर से अंदर आने के लिए 5-7 मिनट लग गए, सोचो खाली गेट से अंदर आने, इतनी गर्दी थी, और वापस जाने में भी वही हुआ। तो ऐसा उनके लिए एक रास्ता बनाए थे हम लोग ने, सब वॉलंटियर्स लोग ने जगह पकड़ के, मैं भी वहीं खड़ा था बाहर, बट मैं उनके साथ सेल्फी नहीं ले पाया, बस यही एक दुख की बात है। It's the sound of soul in me. Live your dream. बाकी क्या है, बाकी तो सब बढ़िया है। और उसके बाद अपन ने स्टोरी डाली थी ID के साथ,
इंस्टा पे, और जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता है तो नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे ft.musafir, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। जाओ जल्दी सब्सक्राइब फॉलो करो, सब्सक्राइब तो करो ही करो चैनल को, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अपने को भी कभी अपने ड्रीम तक पहुँचना है तो कौन पहुँचाएगा, आप लोग ही तो पहुँचाओगे ना मेरे को, करो फिर। बस यही था आज की वीडियो में। और एक बात, MSK भाई इंस्टाग्राम की बात इसके लिए मेरे को याद आई क्योंकि MSK भाई ने जो मैंने एक स्टोरी डाला था उनको टैग किया था आईडी डाल के, तो उस पर उन्होंने रिपोस्ट किया है, तो जो भाई दिल की फीलिंग थी ना, एकदम सातवें आसमान पे पहुंच गया था मैं तो। और आप लोग सोच रहे हो चश्मा क्यों पहन के बैठा, क्योंकि धूप मेरे सीधा सामने और ऐसा मुँह पर आ रही है तो आँख नहीं खुल रही थी मेरी वीडियो में। तो जो दो चार टेस्टिंग क्लिप्स लिया था उसमें कुछ काम नहीं हुआ, इस करके हम लोग ने ये काम किए, चश्मा पहन लिए। तो बस यही थी वीडियो आज की, कैसी लगी आप सभी को ये बताना। MSK भाई का मीटअप का व्लॉग ज़रूर देखना मेरे भी चैनल पे और उनके भी चैनल पे। तो आज का दिन है संडे 25 सितंबर 2022, मार्क द डेट। थोड़े दिन बाद अपने को भी एक साल हो जाएगा और इसको भी एक साल हो जाएगा, 1 अक्टूबर को आई थी ये। इसके लिए भी कुछ स्पेशल करेंगे अपन अपनी शेडो के लिए। तो मिलते हैं आप अगले किसी नए व्लॉग में, जब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ कीजिए, क्योंकि अभी मुसाफिर को दुआ की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ना ये ठीक है ना कुछ काम ठीक हो रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है धीरे धीरे। उसको सुधारेंगे, ऊपर वाला है ना अपने लिए सब करेगा धीरे धीरे। तो और बाकी आप लोगों की दुआएं, हो जाएगा सब ठीक। तो मिलते हैं ऐसी पावरफुल बहुत फटे फाड़ू ढांसू अंगार आफत आतंक वाले व्लॉग में, बने रहिए मुसाफिर के साथ। बहुत सारे लोग से अपना फ़ोटो सेल्फी सेशन हुआ था, जैसे कि पूनम जी के साथ हुआ, गौरव जी के साथ हुआ, वंडर सेन अभिषेक दादा उनके साथ हुआ, रेसर चिक क्या नाम था उनका, रेसर चिक जिनका नाम प्रतीक्षा है, उनके साथ भी अपनी सेल्फी हुई। बड़े अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे ये पूरी कम्युनिटी के साथ बैठ के उनके उनको सुनना, फिर वापस उनको एडमायर करके अपने अंदर लेके आना, वो सब चीज़ तो बहुत अलग सी फीलिंग थी, जिसके बारे में क्या बोलूँ, एकदम मिक्स सी फीलिंग थी वो। बट बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, मैं वॉलेंटियर था बट मैंने पूरा का पूरा मीटअप इन्जॉय किया उधर जाके। अगर आपको कभी चांस मिले और आप अगर मुंबई को छोड़ के, मतलब महाराष्ट्र को छोड़ के कहीं से मेरे को देख रहे हो, तो जहाँ पे भी उनका मीटअप हो ना वहाँ ज़रूर जाना। बहुत एकदम सॉफ्ट हार्टेड आदमी है वो, मालूम है MSK भाई, इतने मन भर गया मालूम उनसे मिल के। और अभिषेक दादा से तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर मिलोगे, क्योंकि वो आदमी भी राइडर है, हर जगह जाते रहते। उनका चैनल का नाम है वंडर सेन, देखो आप, बहुत मज़ा आएगा। और रेसर चिक को भी देखो, प्रतीक्षा दीदी को, उनका भी चैनल एक नंबर है, वो बहुत अच्छे दिखते हैं आज, इतना एकदम अच्छे बन के आए थे तो मेरे को लग रहा था मैं भी सेल्फी ले लूँ, बट मौका नहीं मिल रहा था। फिर इत्तेफाक से इत्तेफाक हो जाता है, तो हमारे साथ भी एक इत्तेफाक हो गया कि वैसे सामने से आ रहे तो मेरा फ़ोन का कैमरा चालू था, बोला मैम एक सेल्फ़ी मिलेगी, तो उन्होंने इतनी बड़ी स्माइल करके बोला जी बिल्कुल, तो फिर सेल्फ़ी भी लिए। उसमें भी जब मैं वापस आ रहा था, मैंने जहाँ गाड़ी पार्क करी थी वहाँ से निकला लेके, बस रोड पे आया तो वो दोनों जन खड़े थे, रिसर्चिक और वंडर सेन दोनों जन खड़े थे सामने, तो उनको बाय बोला और वहाँ से फिर घर आ गया। इस तरीके से अपना व्लॉग एंड होता है। तो मिलते हैं अब आपको अगले किसी नए बहुत फाड़ू फटे ढांसू अंगार आफत आतंक व्लॉग में। जब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुसाफिर के लिए दुआ कीजिए। बाय बाय।